तो भाई बस कुछ वक्त और, उसके बाद चांद की सतह पर उतरकर हमारा चंद्रयान 3 पूरी दुनिया में भारत का सिर ऊंचा कर देगा। गूज़बम्प्स हो रहे हैं ना इस तस्वीर को देखकर। देखिए जरा अपना चंद्रयान कैसे चंद्रमा की सबसे निचली कक्षा में प्रवेश कर चुका है। 18 और 19 अगस्त इस मिशन के लिए बेहद खास हैं। इसके बाद शुरू होगा चांद पर लैंडिंग का काउंटडाउन। इससे पहले हमने आपको बताया था कि मिशन चंद्रयान 3 17 अगस्त को अपनी मंजिल की तरफ एक अहम कदम ले चुका है। बीते रोज दोपहर 1:08 पर चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन और लैंडर मॉड्यूल अलग हो गया। इसी के साथ अब मिशन का सबसे जरूरी पड़ाव भी शुरू हुआ है, जो कि विक्रम लैंडर की चांद की सतह पर लैंडिंग है। इसे 23 अगस्त को अंजाम दिया जाना है, यानी कि ये पड़ाव सबसे महत्वपूर्ण है। गुरुवार को इसरो ने जानकारी दी थी कि चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर अब चांद की निकटतम कक्षा में प्रवेश कर गया है और धीरे धीरे लैंडिंग की ओर बढ़ रहा है। विक्रम लैंडर के अंदर ही प्रज्ञान रोवर है, जो चांद की सतह पर लैंड होने के साथ ही अपनी रिसर्च शुरू कर देगा। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो बुधवार 23 अगस्त को शाम 5:47 पर इसकी लैंडिंग होगी। चंद्रयान 3 के इस पड़ाव को लेकर चंद्रयान 1 के प्रमुख रहे एम अन्ना दुरई ने कहा है कि असली मैच अब शुरू हुआ है, यह आखिरी ओवर है जो काफी अहम है। उन्होंने ये भी बताया कि 17 अगस्त को जो प्रक्रिया हुई है वो काफी अहम थी। लैंडर कैसा प्रदर्शन कर रहा है इस पर नजर रखनी होगी, क्योंकि अब यही चांद के करीब जाएगा। धीरे धीरे इसे कमान दी जाएगी, जिसके बाद 23 अगस्त को लैंडिंग की तैयारी होगी। गुरुवार को चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन और लैंडर मॉड्यूल अलग हो गए। अब विक्रम लैंडर चांद के करीब है और 150 किलोमीटर की कक्षा में है। यह अभी अंडाकार शेप में घूम रहा है। 18 अगस्त शाम 4 थ्रस्टर्स के जरिए विक्रम लैंडर अपनी गति को धीमा करने और चांद की निचली कक्षा में प्रवेश करने की कोशिश करेगा। ये प्रक्रिया अलग अलग हिस्सों में 18 से 20 अगस्त को होगी। पहले 100 किलोमीटर की कक्षा में जाएगा और फिर चांद की 30 किलोमीटर की कक्षा में जाएगा। इसके बाद ही लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 23 अगस्त को खत्म होगी। करीब 600 करोड़ रुपए के बजट वाला चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट पिछले महीने 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था। करीब 40 दिन की यात्रा के बाद अब ये चांद के करीब पहुंचा है। भारत ने साल 2019 में चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया था, जो सॉफ्ट लैंडिंग से ठीक पहले गड़बड़ा गया था और मिशन अधूरा रह गया था। अब उसी मिशन को पूरा करना है। चंद्रयान 3 का काम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, चांद पर घूमना और रिसर्च करना है। अभी ऐसा सिर्फ 3 ही देश कर पाए हैं, जिसमें अमेरिका, चीन और रूस का नाम है। भारत ने अपना चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भेजा है, यहाँ तक अभी कोई नहीं पहुंचा है। अगर चंद्रयान 3 सफल होता है तो भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश होगा। एक तरफ भारत का चंद्रयान 3 चांद के करीब है तो रूस का लूना 25 भी 21 से 23 अगस्त के बीच चांद पर लैंड हो सकता है।